करा है तो प्लीज प्लीज कर दो दूसरी बात गाइज अब आई होप कि आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी ना तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी आप अपने एंड क्लास टेन के लिए तो बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल होता है बट मैंने ये मटीरियल बहुत लिमिटेड हो जाता है मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे बुक्स नहीं मिलेंगी जो आपको क्लास नाइन के लिए सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करे अगर प्रोवाइड करते भी है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं सो इन सच सिचुएशन विदांतो है so series, cost, हम हर सब्जेक्ट के आपको तीन तीन टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हैव बीन क्यूरेटेड बाय योर वेरी ओन मास्टर टीचर्स उसके अलावा बच्चा पार्टी ये सारी सारी की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है एक पैसा देने की जरूरत नहीं है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी सेपरेट टेस्ट है तो अगर आपको भी ये सारी की सारी टेस्ट यू you नो know, देने हैं विथ सोल्यूशन एंड आंसर की तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बस जो आप वीडियो देख रहे हो ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा

उसके बाद लाइव एंड अपकमिंग पे जाना है उसके बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो ठीक है अगर आपको सिलेबस देखना है सिलेबस देख लो फिर उसके बाद आप यू नो अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो हर सब्जेक्ट के तीन तीन टेस्ट अवेलेबल है अब स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे जैसा कि सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है जैसा कि सीबीएसई टाइमिंग सब कुछ वैसे ही आपको टेस्ट के लिए भी टाइम मिलेगा फिर अगर आपको अपना आंसर्स वगैरह सबमिट करना है जो भी आपने अगर यू नो कंप्यूटर फॉर्मेट में करा है तो आप पिक्स एड कर सकते हो फ्रॉम योर कंप्यूटर और सबमिट एंड टेस्ट पे आप क्लिक कर दो दैट्स इट अब टेस्ट सबमिट करने के बाद आपको आंसर की भी देखने को चाहिए होगी टू सी कि आपका टेस्ट कैसा गया है तो आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट अब आंसर की के लिए आपको कुछ नहीं करना है अगेन अपनी प्रोफाइल पे जाना है मोर पे क्लिक करना है जो आपको देखो यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेकेंड लास्ट ऑप्शन होगा कॉन्टेंट लाइब्रेरी का उस उसपे आपको क्लिक करना है ंस यू गो देयर क्लास नाइन्थ के हो तो क्लास नाइन्थ के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के एक्टिव पे क्लिक करना है टे, आ, और टेंथ के हो तो दूसरे के लिए सो so, अगर आपके कोई सीनियर्स है सिबलिंग है तो आप उनको बोल सकते हो कि ये टेस्ट सीरीज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास टेंथ के लिए भी है अब उस उसपे क्लिक करने के बाद यू कैन सिलेक्ट योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फिर उसके बाद एडिशनल मटेरियल पे आपको क्लिक करना है एंड वहां से आपका जो भी आपने टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो उस उसपे रीड ऑप्शन को आपको क्लिक करना है दैट्स इट यू हैव एंटायर आंसर की इन पीडीएफ फॉर्मेट जैसे आप डाउनलोड और प्रिंट दोनों कर सकते हो सो गाइज आर यू वेटिंग फॉर जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करो यार कम ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट है क्यों नहीं करना चाहोगे नाउ इसकी बात तो हो गई लेट्स टॉक अबाउट टाइम टेबल नाउ वीकली टाइम टेबल जिसके लिए हम आए थे सो so, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था ये टाइम टेबल जो है ना मैंने स्कूल डेज और छुट्टियों के लिए अलग अलग बनाया है तो स्कूल डेज वाला पहले डिस्कस करेंगे फिर जिस दिन आपका सैटरडे है संडे है या विंटर वेकेशन रही है तो so, उसके लिए आप दूसरा टाइम टेबल अपना सकते हो तो so, बेटा स्कूल डेज के लिए ना मैंने सबसे पहले आपके लिए वेकअप टाइम रखा है एट 6 देखो अब क्योंकि आप लोगों की सर्दियां शुरू हो गई हैं। आई एम प्रिटी श्योर किसी के भी स्कूल जो है आठ साढ़े आठ से पहले नहीं स्टार्ट होते तो अगर आप छह बजे उठ जाते हो ना तो आपके पास एक घंटा बचेगा जहां पे आप तैयार होने से पहले अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले कुछ कर सकते हो एंड माई सजेशन टू यू वुड बी कि उस टाइम पे अपना प्लीज आप थोड़ा लर्निंग वर्क करो लर्निंग वर्क फॉर योर टेस्ट

दिनचर्या पूरी करने का अब चार बजे ये एक ना एक मतलब स्टैंडर्ड टाइम होता है बच्चों के ट्यूशन जाने का तो लेट से आपने ट्यूशन गए तो आपको दो घंटे तो ट्यूशन में लगी जाते हैं छह बजे तक आप वापस आओगे अगर आप ट्यूशन नहीं जाते तो इस टाइम को यू you नो know, आप अपने स्कूल वर्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हो कि अपने स्कूल का अपना सारा होमवर्क कर लिया या आप वेदांतों की क्लासेस देख सकते हो

जिसमें आपका दिमाग जो है चलना स्टार्ट हो लॉजिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो है यूज होना स्टार्ट हो ठीक है अब उसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो मैथ्स के प्रॉब्लम सम्स कर सकते हो ठीक है साइंस के डायग्राम्स कर सकते हो वट एवर यू फील लाइक ऑल्टर करना है आपको एक दिन मैथ कर लिया एक दिन साइंस कर लिया ऐसे चलना है. फिर दस से साढ़े बजे तक एस एस टी पढ़ो एस के आपने कोई वन शॉट देख लिए लेट्स से सुरभि मैम के आपने टेक्स्ट पढ़ लिया

फॉर ऑल द फाइव और डेज जब आप स्कूल जाते हो बहुत सारे बच्चों के अब यू नो वेकेशन स्टार्ट हो गए होंगे विंटर वेकेशन होने वाले होंगे तो वीकेंड्स या हॉलीडेज में आपको ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है जहां पे आपकी पढ़ाई भी हो और आपकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब ना हो देखो मैंने आपके लिए खेलने कूदने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इसमें निकाला नहीं है फॉर द वेरी फैक्ट क्योंकि अब आपके यू नो फाइनल एग्जाम सर पे है हाउ आप इसमें अगर आप चाहो तो अपने ब्रेक टाइम को यूज कर सकते हो खेलने कूदने के लिए तो देखो वीकेंड्स पे ना हम आपको आराम से उठवा रहे हैं हम उन्हें आठ बजे उठो देखो आठ बजे तक बहुत ही डीसेंट टाइम होता है ना स्कूल के लिए कहा छे छह बजे बच्चे उठते हैं तो छुट्टियों में आराम से आठ बजे उठो गेट रेडी ठीक है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करो बजे से पढ़ने में आराम से यू नो तपती धूप में ऊपर जाकर छत पे पढ़ने बैठो सबसे पहले दस से साढ़े ग्यारह तक मैथमेटिक्स करो ताकि आपका लॉजिकल माइंड चलना स्टार्ट हो सबसे पहले मैथमेटिक्स कर लो कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट कर लो क्योंकि यही सबसे बड़े पहाड़ लगते हैं बच्चों को

सॉरी uh, दोबारा से अब आपको पढ़ना है साइंस ठीक है अब पांच से साढ़े छह बजे जब आप साइंस पढ़ोगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा भारी हो चुका होगा बिकॉज आप ऑलमोस्ट ढाई घंटे से पढ़ पोंगे ठीक है तो द, अब इसके बाद साढ़े छह से सात बजे तक आप लोग एक छोटा सा ब्रेक थोड़ा सा रिलैक्स करो फिर सात से नौ बजे तक आपके पास स्कूल वर्क भी करने के लिए होगा हॉलीडे होमवर्क भी मिला होगा कुछ ना कुछ ये सब चीजें भी होंगी तो उस टाइम पे आप वो कंप्लीट कर सकते हो नौ से दस आपका डिनर टाइम है अगर आपका डिनर टाइम टू के बीच में है तो आप एक घंटा पहले पढ़ लो फिर उसके डिनर करने के एक घंटा बाद दोबारा से स्कूल का, का काम कर लो फिर रात को सोने से पहले दस से ग्यारह के बीच में अगेन इंग्लिश आई या हिंदी में से कुछ पढ़ो समथिंग वेरी लाइट जिसके बाद आप आराम से सो सको अगर आप इस टाइम टेबल को देखोगे ना तो हमने इस टाइम टेबल को इस तरीके से क्यूरेट करा है कि आपका हर सब्जेक्ट हर दिन टच हो आप स्टार्ट कर रहे हो मैथमेटिक्स से आपने भी पढ़ा आपने साइंस तीनों को हमने डेढ़ डेढ़ घंटा दिया है जो आपके मेजर फिर इंग्लिश और हिंदी के लिए हमने एक एक घंटा निकाला है बीच में तो आराम से घंटे आप पढ़ रहे हो छह से भी ज्यादा सात आठ घंटे आप पढ़ रहे हो और आपकी कोई भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो रही है आपको हम आराम से बीच में ब्रेक्स भी दे रहे हैं खाने के लिए भी एक घंटे का ब्रेक है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव टाइम टेबल जो आप अपने यू you नो know, उसके लिए फॉलो कर सकते हैं तो के लिए। अगर यू आर वन ऑफ दो शाम को खेलने की आदत बहुत ज्यादा है तो आप ना आठ बजे की जगह सुबह छह बजे उठ जाओ और जो शाम को हम फाइव टू सिक्स कर रहे हैं ना वो आप उस टाइम पे कर लो इससे आपका क्या होगा शाम को आप खेल भी पाओगे और आपकी पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी बट देखो आपको इसमें जो भी ट्वीट करने करो बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि फॉरमेट ऐसा रखना की पहले एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिर एक लाइट सब्जेक्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिर एक लाइट सब्जेक्ट इससे ना आपका दिमाग बहुत ज्यादा थकेगा नहीं ऑलवेज ट्राई टू डू दैट एक ऑल्टर करके चलोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सो डू फॉलो दिस टाइम टेबल गाइज एंड प्रोमिस यू आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे सो so गाइज दैट्स इट that was all that i had for you now this is a telegram channel guys please join our community over there as well the link for the same is given in the description box you can find pdfs bts and reminders of such amazing sessions over there also this is my instagram handle feel free to ping me over here as well and lastly guys if you enjoyed this video found it helpful just hit the like button share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet so bye bye guys hasta la vista